ठीक है, YouTube पे आज सही से नहीं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस से मिलके बना होता है, उसी तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंस को एक्सियली प्लेस करते हैं। एक्सियली प्लेस करना मतलब एक लेंस को यहां रखेंगे फिर दूसरे लेंस को यहां रखेंगे, दो लेंस को साइड बाय साइड, दोनों कन्वेक्स लेंस होगा, दोनों को एक्सियली हम लोग प्लेस करके रखते हैं। जो ये सेटअप बनता है इसी को हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। जिधर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे उस लेंस को ऑब्जेक्टिव कहेंगे, और जिधर से हम देखते हैं लेंस में उसी उस लेंस को हम आईपीस कहते हैं। तो इसमें दो लेंस होंगे, एक को कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस और एक को कहेंगे आईपीस लेंस। इसे आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं और यहां देखते हैं कि क्या इसका ड्रॉ होगा। इसमें दो लेंस होंगे, दोनों को एक्सियली हम लोग प्लेस करेंगे। ये देखो एक्सियली हमने प्लेस कर दिया इसे, ठीक है, सब तो ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है लेकिन बाकी सब सही लग रहा है। ठीक, पूरे मिट जाएगा, अलग कलर से इसको बना लेते हैं। अब ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर को ओ नाम दे रहे हैं, इसका ऑप्टिकल सेंटर को ओ प्राइम। दो लेंसेज हैं, एक को कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ये रहा ऑब्जेक्टिव, और इसको हम लोग आई पीस लेंस कहते हैं, आई पीस या आई लेंस। ठीक है, इसमें दो तरह के लेंस होंगे, एक को कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस और एक को कहेंगे आई पीस लेंस। दोनों में से फोकल लेंथ भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसका फोकस को हम एफ ओ कहेंगे, और जो आई पीस लेंस है उसका फोकस को एफ ई कहेंगे। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफ ओ छोटा होगा एफ ई से। यहां तक बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताओ यस सर, आ गया। नो किसका सर, फोकस को छोटा रखते हैं, किसका बड़ा रखते हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस है, कौन सा आईपीस लेंस है। हमने इनका नाम भी ऐसे रख दिया और ये इस तरह से होते हैं। ये पॉइंट बना लेते हैं, इसको हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है, और एक और पॉइंट इसमें हम बना लेते हैं, ये वाला हम कहेंगे कि ये आई पीस का फोकस है। आई पीस का फोकस लेंथ बड़ा हम लोग बनाए हैं और फोकस का ऑब्जेक्टिव का छोटा, इसका पॉइंट थोड़ा छोटा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब बताओ इसमें जो ऑब्जेक्ट रखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो बहुत दूर रखते हैं कि बहुत नजदीक रखते हैं हम लोग? दूर रखते हैं सर, नजदीक ऑब्जेक्ट जो देखते रखते हैं हैं वो सर, लेंस लेंस के पास होता है कि लेंस से बहुत दूर होता है? से दूर पास होता है, होता पास है, पास नजदीक होता होता है है, सर, जनरली लेंस के पास पास होता होता है। है, पास में ही रखते हैं। और जैसा हमने फोटो में ड्रॉ किया और हम लोग बताए भी है कि जो फोकस लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव का वो हम लोग छोटा लेते हैं, छोटा इन द सेंस कि
अगर इसके दो फोकस गिनेंगे तो इधर से गिनेंगे तो ये फोकस हो गया, तो ये बहुत छोटा है तो पास में ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा कि वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, मतलब फोकस के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये देखो यहां पे रहेगा ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी को हम लोग कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, वो लेंस के पास ही काफी पास में है और ज्यादा दूर कंपाउंड नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोप फोकस क्या? बहुत नजदीक होता है तो ये नजदीक है। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, यहां से लेके ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और लेंस में इस डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं हम लोग, यू नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, यू। तो चूंकि ये यू ऑब्जेक्टिव का है तो इसलिए इसका नाम यू ओ देंगे। क्या नाम देंगे, यू ओ। और इसका जो फोकस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे एफ ओ, तो ये एफ ओ होगा। ये बात समझ में आई। इसका इमेज बनाने की यस कोशिश सर। करते हैं और देखते हैं कि इमेज कैसा बनता है। तो ड्रॉ करो इमेज के लिए। हम लोग क्या करेंगे, यहां से पैरेलल रेज भेजेंगे, रेड कलर से हम लोग ले लेते हैं और पैरेलल रे को भेजते हैं। ठीक है, पैरेलल रे भेजेंगे तो वो फोकस से होते हुए जाना चाहिए, ऐसे जा रहा है फोकस से होते हुए। एक ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो वो ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो तो यहाँ पे कटा है ना, ये देखो एरो हमने ड्रॉ कर दिया। ये जहां पे कटा इसे हम लोग इमेज बनाएंगे। अब ये इमेज का नेचर बताओ, ये इमेज का कैसा नेचर है, ए प्राइम और बी प्राइम बारह बताओ किस तरह का इमेज का नेचर है, बनेगा, बारह रियल है कि वर्चुअल है। बनेगा, उल्टा उससे बनेगा, बड़ा, वास्तविक बनेगा, बिल्कुल सही, उल्टा बन बड़ा है, बनेगा सर, मैग्निफाइड है, रियल है, रियल बिल्कुल सही। तो हम लोग को काम था है। रियल से फिलहाल, तो ये रियल इमेज है और बड़ा भी बन रहा है। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनना था बन गया। अब आईपीस का बारी है, आईपीस इस इमेज को देखेगा, ए प्राइम बी प्राइम को आईपीस देखेगा, और आईपीस को एक रियल इमेज दिख रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जो ए प्राइम बी प्राइम इमेज है जो कि ए बी ऑब्जेक्ट के कारण बना है और वो ऑब्जेक्टिव लेंस से बना है, तो इस ए प्राइम बी प्राइम इमेज असल में आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट मान लो कि ए प्राइम बी प्राइम लेंस आईपीस लेंस के लिए या आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट किस जगह पे है बताओ, आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट किस जगह पे है। ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर फोकस के बीच में, के बीच में सर। बिल्कुल सही, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। और ये लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में अगर इमेज को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो कैसा इमेज बनाता है, वास्तविक बनाता है फिर से वो सोचो और आभासी। सही से आंसर बताओ। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस लेंथ के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे कोई कन्वेक्स लेंस के इमेजनरी और सामने, इमेजनरी बनाएंगे सर, ठीक आभासी है, बनाएगा क्या होगा वो कंडीशन, दर्पण, दर्पण के पीछे बनाएगा दर्पण तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे लेंस है, मिरर तो है नहीं। हम लोग देखो जानते हैं, यहां से देखो ड्रॉ करते हैं, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा सर। बिल्कुल सही, आभासी बनेगा, सीधा भी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, मैग्निफाइड बनेगा, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग इसी पोजीशन का यूज करते थे, तो वही बनने वाला है। यस सर, तो यहां यस से क्या सर, करते हैं हम लोग कि एक पैरेलल रे भेजते हैं, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं हम लोग, ब्लैक कलर ले लो, यहां से पैरेलल रे भेज दिए, ये फोकस से होता हुआ जा रहा है, ऐसे चला गया। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो वो वैसे ही चला जाएगा।
क्या ये दोनों रेज आपस में मिलने के मूड में है क्या आगे बढ़ाने से? नहीं मिलने के मूड में, नो सर, तो इन लोगों को हम लोग बैकवर्ड ट्रेस करेंगे, जैसे है वैसे ही बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। तो बैकवर्ड ट्रेस करेंगे तो ये लगेगा कि यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। देखो सही से उतना ड्रॉ नहीं हुआ, हम लोग कोशिश करते हैं फिर से ड्रॉ करने की और अलग कलर से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मिल रहा है। अब इसका नाम हम दे देते हैं ए डबल प्राइम और बी डबल प्राइम। तो जो ए डबल प्राइम और बी डबल प्राइम जो इमेज बना तुम लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा बना और ये रियल इमेज नहीं है, ये रियल इमेज नहीं है, ये फाइनल इमेज बना। ये क्या है? ये फाइनल इमेज है। इस तरह से हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर रे डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो बना लोगे क्या? यस यस सर, सर, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ कुछ सर, एंगल बन रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हैं। इस एंगल को हम अल्फा कह रहे हैं, ब्लैक कलर में लिख देता हूं। यहाँ पे देखो एक एंगल बना है, इसको हम अल्फा कह रहे हैं और इस एंगल को हम बीटा कह रहे हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा दिख रहा है ना तुम लोग को? कौन सा एंगल को अल्फा कह रहे हैं, कौन सा यस एंगल को बीटा कह रहे हैं? सर, देखो फोटो को ध्यान से देखो और समझो कौन सा एंगल को अल्फा कह रहे हैं, कौन सा को बीटा कह रहे हैं। कौन बी ओ ए अल्फा हो गया, बिल्कुल, और उसके क्या? बाद कौन है बीटा में सर कंफ्यूज कर रहे हैं, बीटा बी देखो एक प्राइम बना है, ये ओ, यस सर, बी प्राइम और ए प्राइम सर कौन? हो गया, वो कहां से आया हो? हाय हाय, ओडेस होगा सर, ओ प्राइम ओडेस है। देखो होगा, ए प्राइम, ओ प्राइम, बी प्राइम जो एंगल बन रहा है यस सर, वो बीटा एंगल है कि नहीं? ये है। अब थोड़ा सा और ध्यान में ध्यान इसमें लगाओ। इसमें ऑब्जेक्ट की तरह कौन काम कर रहा है? आई लेंस के लिए, आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कौन सा काम कर रहा है? जो ए रियल प्राइम बी इमेज प्राइम, बना, जो रियल इमेज बना उसका नाम है ए प्राइम बी प्राइम। तो हम लोग इसको यू यू ई कहें, कोई दिक्कत है? तो सर कोई दिक्कत नहीं। नो सर, अच्छा, और एफ ई तो तुम्हें दिख ही रहा है फोटो में, एफ ई तो तुम्हें फोटो में दिख ही रहा है, ये लिख दो, एफ ई लिख सर, दिया हूं, है ना? अब सब लेंथ पता चल रहा है ना, यू ई कहाँ है? यू ई वी ई, ये देखो वी ई सबसे ऊपर में हम लिखे हैं, वी ई ठीक लिखे हैं? यस सर, चलो ठीक, बहुत बढ़िया। ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम सर, हाँ, जो ए डबल प्राइम और ओ प्राइम जो है वो तुम्हारा वी ई है। वी ओ क्या है? यस वी ओ भी हमने क्या लिखा सर, है, ये देखो वी ओ हम लिख दिए। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के कारण मैग्निफिकेशन क्या होता है बताओ? हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े थे, मैग्निफिकेशन क्या होता है बताओ? बोलो, तो सर सब्जेक्ट हाँ, बोलो बोलो, बढ़िया बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को कहते हैं। ना
मैग्नीफाइंग भी अल्फा। ना, हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े हैं, अच्छा जिसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। बताओ, बीटा बाय अल्फा सर। बीटा बाई अल्फा, सबका नाम बताओ, बीटा क्या है, अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा सर नेत्र पर बनाया गया कौन और प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया नेत्र पर। इसमें बीटा क्या है, अल्फा क्या है, बताओ, बीटा को क्या कहते हैं? बनाया गया नेत्र पर कौन बीटा है सर? किसके द्वारा एंगल बना है? प्रतिबिंब सर, इमेज। ठीक है, इमेज के कारण एंगल। सर और अल्फा है ऑब्जेक्ट के कारण आई पर बना एंगल। ठीक है, कब? ऑब्जेक्ट के कारण एंगल तो बन डी रहा है, लेकिन कब? डिस्टेंस हाँ 25 सेंटीमीटर पे जब हो वस्तु। हाँ जब u बराबर d है तब। तो ठीक है, अब बताओ, इमेज के कारण एंगल खोजना है तुम्हें, तो उस समय लेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखोगे कि नहीं रखोगे? रखेंगे सर। और इमेज के कारण जो लिख रहे हो ना, यहाँ पे जोड़ दो, फाइनल इमेज के कारण। समझ में आया? फॉर्मूले में क्या लिखोगे? फाइनल इमेज के फाइनल कारण इमेज बनने वाला एंगल। अब अल्फा क्या है? ऑब्जेक्ट के कारण बनने वाला एंगल, जब ऑब्जेक्ट आंख से डी डिस्टेंस पे था तब। अब बताओ, इस फोटो में देख के बताओ कि बीटा बीटा सच में वही है क्या? बीटा जो है फाइनल इमेज के कारण आंख पे जो एंगल बन रहा है वही है, यस बताओ। सर। यस सर। और अल्फा जो है, लेंस को हटा देंगे तो अल्फा वही है क्या, कि अल्फा गलत है फोटो में? अलग अल्फा गलत है ना? अल्फा तो इस साइड होता है लेंगे कि जब सर। हम लेंस वेंस हटा देंगे और ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखेंगे, जो एंगल बनेगा वो होगा। तो इस फोटो में अल्फा यस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना किससे है? बीटा से। बेटा बात समझ में आई? अब यस अल्फा तो हम लोग जानते ही हैं, अल्फा हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। अब इस फोटोस में देखो और टेन बीटा का वैल्यू बताओ हमें। फोटो को ध्यान से देखो और टेन बीटा क्या क्या है वो बताओ हमें। टेन बीटा, सर। ए डैश बी डैश बाय ए डैश ओ डैश। सर ऑप्टिकल सेंटर का नाम दीजिए ना, नहीं पता चल रहा क्या है। हुआ है? ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ है और आई पीस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ प्राइम है, दिया हुआ है फोटो में, देखो ध्यान से। ठीक है, प्राइम बी प्राइम बाय ओ ए प्राइम ओ डिवाइडेड ए बाय प्राइम ओ डैश ना। प्राइम प्राइम ओ प्राइम का है टेन कि टेन बीटा का मान पूछ रहे हैं। बीटा तो प्राइम हम लोग टू यहां प्राइम पे है। टेन बीटा जो है, यहां से फिर से प्राइम देखेंगे हम लोग, वो टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी होता है, यानी कि ए होता प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाई ए प्राइम ओ प्राइम। है। यस सर। ठीक लिखे हैं कि नहीं? यस सही है सर, या बहुत अच्छा। दूसरे बार, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाई ए डबल प्राइम ओ प्राइम। बताओ, यस समझ सर, में ये आया? भी सर। यस सर, बरकत तेज हो। दोनों ठीक है ना? चलो ठीक है, सर फर्स्ट वाले में ए प्राइम ओ प्राइम होगा। देखो
हाँ ध्यान से देख लो, फोटो देख लो फिर से, टेन बीटा क्या होगा? ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाई ए सर प्राइम ओ प्राइम, ठीक ठीक है सर। है ना? फॉर्मूले में सर छूट फॉर्मूले गया। में देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, ये भी देखो, ठीक है। सर ठीक है वहां सर, पे ओ प्राइम होगा सर। ओ प्राइम सर नीचे में छूट गया। बिल्कुल सही, अब ठीक हो गया है ना, ओ प्राइम सही कह यस रहे हैं। हम लोग पहले से क्या जानते हैं, अल्फा बराबर क्या जानते हैं बताओ? डी बाई यू, पुराना फॉर्मूला से याद करो, सर डी बाई यू ना। डी बाई यू ये हम लोग जानते हैं कि नहीं बताओ? सही है, सर चलो सही बहुत बढ़िया। यू जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यू जो है असल में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है आईपीस के कारण डिस्टेंस वही होगा, इसलिए हम लोग नहीं, ऑब्जेक्टिव के कारण जो डिस्टेंस होगा ये वही होगा सेम। ऑब्जेक्टिव के कारण जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है, यू ओ जो है ये वही है और कोई दूसरा नहीं है। यहां तक ठीक है कि नहीं ठीक है बताओ? यस सर ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकेंड होल्ड करो, एक सेकेंड, टाइम भी देखो खत्म होने वाला है। थोड़ा सा होल्ड करो, ज्यादा नहीं।
रिलेशन लिखा है ध्यान से देखो, टेन बीटा का इसमें इस वाले को हटा दो, ए डबल प्राइम, ए ए डबल प्राइम ओ प्राइम वाले को इग्नोर करो, इससे उतना मतलब नहीं है हमारा, इसको हम लोग हटा देते हैं। और असल में ये मैग्निफिकेशन है और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है। ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम ओ प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम, एक चीज तो यहां से ए प्राइम बी प्राइम को हम हटाना चाहते हैं, ठीक है। ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम ओ प्राइम को हम क्या लिख रहे हैं, यू ई लिख रहे हैं, यू ई। यहां से हम ए प्राइम और बी प्राइम को हटाना चाहते हैं, ठीक है। एक थोड़ा होल्ड करो, देखते हैं पीछे। तो टाइम होने वाला है। ठीक है, फिर से रीज्वाइन हो जाना, अगर कट जाएगा ना फिर से रीज्वाइन हो जाना है, उसी लिंक पे सर। उसी पे क्लिक कर देना, फिर से हो जाओगे। ठीक है सर। देखो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग एक बार मैग्निफिकेशन लिखेंगे, एक बार लिखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। देखो थीटा प्राइम को हम लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ए बी, वहां से हम लोग ए बी प्राइम का यूज कर लेंगे, ठीक है, यू ई होना चाहिए। तो ए बी प्राइम अब हम लोग ढूंढने वाले हैं, और वो हमें कहां से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन लिखेंगे, तब ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन अब लिखो, आ जाओ। इसका नाम दे दो, ऐसे ही वन दे दो, फोर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम ऑब्जेक्टिव हम लिख रहे हैं इसे, तो वी वाई ये जानते हैं कि नहीं, या इमेज के फॉर्मेट में देखें तो ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाई ए बी हम लोग ऐसा लिखते हैं, बताओ ये सही है कि गलत है, यस सही है सर। सही है ना। यस सर। यस सर सही है। तो यहां से देयर फोर ए प्राइम बी प्राइम इक्वल टू इंटू ए बी होगा, यस इसको इक्वेशन टू करो, अब इसका वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन वन टेन बीटा क्या होगा, ए प्राइम बी प्राइम के जगह पे हम ये वैल्यू लिख देते हैं, वी नॉट बाय यू नॉट इनटू ए बी डिवाइडेड बाय यू ई, बताओ सही है, देख लो। यस सर। ठीक, नहीं समझे। अभी समझा रहे हैं, एक सेकेंड,
समझो, और लाइट कट गया इसलिए अंधेरा है, कोई बात नहीं, समझो। ऑब्जेक्टिव लेंस को ध्यान से देखना और उसमें बताना कि मैग्निफिकेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? वी बाई यू, बी वाई यू तो वी ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव, ऐसा लिख सकते हैं यस सर, ना। और यस साथ सर, साथ इमेज का रेशियो भी तो हम लोग कहते हैं कि मैग्निफिकेशन है। तो इमेज क्या बन रहा यस है ऑब्जेक्टिव के कारण? ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी। देखो सर, ए इसमें बी, यस सर, ठीक किए हैं कि नहीं? नहीं यहां तो पे तब ए भी प्राइम बी अंदर प्राइम का होगा। वैल्यू वी नॉट बाई यू नॉट टाइम्स ए बी होगा, और वो फिर ए प्राइम बी प्राइम का वैल्यू इक्वेशन वन से हम लोग जानते थे, उसमें पुट कर दिए, ये बन गया टेन बीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब समझो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये आंख था यहां पे, ये इमेज यहां पे बन रहा है, इसी को तो अल्फा कहते हैं। अल्फा क्या होता है? जब लेंस को हटा देंगे, सारा कुछ हटा दो, आंख से देखो, डी डिस्टेंस पे रखो और देखो कितना इमेज बन रहा है। यहां पे बताओ टेन अल्फा क्या होगा? ए बी बाई डी होगा कि नहीं होगा? बीडी ठीक है कि नहीं? बी डी यस नहीं, नो ये सर, पूरा डिस्टेंस को डी कह रहे हैं, यस सर डी, ठीक है ठीक है सर, ना। यस सर, असल में ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, असल में ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो एंगल भी बहुत छोटा बनेगा, और टेन अल्फा को अल्फा लिख देंगे और टेन बीटा को बीटा लिख देंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, छोटी वस्तु को हम लोग देखने का यूज करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा होता है तो एंगल भी बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है तो हम लोग टेन अल्फा को अल्फा कह देंगे और टेन बीटा को बीटा कह देंगे। एंगल छोटा होने से टेन अल्फा अल्फा बन जाता है, टेन बीटा बीटा बन जाता है। यहां तक कोई क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ो। तो देयर फोर मैग्निफिकेशन मेरा क्या बनेगा बताओ? फाइनल, अभी हम लोग सीखे थे बीटा बाई अल्फा, तो बीटा का वैल्यू लिखो, अल्फा का वैल्यू लिखो, ठीक है? तो क्या बना? वी नॉट बाई यू नॉट टाइम्स टाइम्स डी वाई यू ई, ये बन गया। जीरो बताओ ये सही है कि गलत? सही है सर, सही है ना? ना तो यहां से हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू वी नोट बाय यू नोट डिवाइडेड बाय डी बाय यू ई, एम ओ इंटू एम ई। तो मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन बाय आईपीस, हमने दोनों ऐसा लिख दिया। सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? हमने ये बदल दिया। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है, ठीक है? सर एक बार स्लाइड नीचे कीजिए तो। देखो यहां तक चार क्लियर हुआ? पीडीएफ नोट भेज करें, सर,
और देखना है तो और देखो पीछे से। चालू कर बोलो सर, ये वाला पीडीएफ भेज दीजिएगा ना व्हाट्सएप पे। भेज देंगे ऐसे, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको यूट्यूब पे रख देंगे। ठीक है, अभी डेटा स्पीड स्लो था तो लाइव बंद कर दिया है वहां पे, तो ये ऐसे यूट्यूब पे हम रख देंगे, देख लेगा। ये हुआ मैग्निफिकेशन। अब बताओ इसमें जो हम लोग चेंज करते हैं ना पोजीशन, आईपीस का चेंज करते हैं पोजीशन, और उसके हिसाब से इमेज को बनवाते हैं कि इमेज कहां पे बनाना है। इमेज जहां जहां पे बनेगा उसके आधार पे हम लोग स्पेशल केस बनता है। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग दो केस पढ़े थे, क्या क्या दोनों केस था बताओ एक बार। बताओ क्या दो पे केस पढ़े थे हम लोग, पॉइंट और एक नियर पॉइंट। बिल्कुल सही, फार पॉइंट पे इमेज को बनवाना था एक केस में, और एक केस में इमेज को नियर पॉइंट पे बनवाना था। इसी का दूसरा नाम था जब आई रिलैक्स मोड में है तो इमेज फार पॉइंट पे बन रहा था, उस समय मैग्निफिकेशन ढूंढ रहे थे। जब आई स्ट्रेन्ड मोड में था, यानी कि जब वो डी डिस्टेंस पे था, तब ये दूसरा केस था। इसी का तीसरा नाम भी हम लोग लेते हैं, जब इमेज डी डिस्टेंस पे है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे मैग्निफिकेशन क्या था, जब वो डी डिस्टेंस पे था। तो यहां भी आईपीस का जो मैग्निफिकेशन है वो केवल चेंज होगा, आईपीस का मैग्निफिकेशन जो है वो केवल चेंज होगा अलग अलग केस के लिए। तो केस हम लोग फिर से बनाते हैं। केस वन कौन सा केस लेंगे, जब फाइनल इमेज नियर बने कि दूर बने, कोई भी हम लोग ले सकते हैं। तो नियर पॉइंट के लिए हम लोग करते हैं नियर पॉइंट, इसी को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट इसी को बोलते हैं जब इमेज मेरा फाइनल इमेज, फाइनल इमेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, VE जब D हो जाए तब, VE जब D हो जाए तब। अब बताओ VE को जब D करेंगे तो ME का वैल्यू क्या होगा, ME का वैल्यू 1 प्लस D बाई FE हो जाएगा। याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन 1 प्लस D बाई F होता था, तो वही यहां भी है। यहां पे तो आईपीस के लिए चेंज हो रहा है इसलिए सब में ई लगा दिए, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। देयरफॉर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा, अभी हम लोग यहां देख रहे हैं v0 बाई u0 इंटू 1 प्लस डी वाई एफ ई। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। हाँ, इस समय हम लोग इमेज को कहां बना दिए, डी पे बनाए। ठीक है, अब तुम्हें मन है कि यू और वी नॉट यू नॉट को हम चेंज करके एफ के टर्म में लिखे, तो वो भी लिख सकते हो, लिख दो बदल बदल के। लेकिन फिलहाल अभी नहीं छोड़ो, केस टू हम लोग इसका बनाते हैं। केस टू में क्या होगा, फार पॉइंट, फार पॉइंट इसी को बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। इस समय आई रिलैक्स्ड होगा, इस केस में स्ट्रेन्ड आई था, यहां पे लिखो। ठीक है, स्ट्रेन्ड होता है आई। तो फार पॉइंट में वी इमेज को हम लोग इनफाइनाइट पे बनने देते हैं, तो इनफाइनाइट पे बनने देते हैं तो याद करो एमई का वैल्यू क्या था, डी बाई एफ था, डी बाई एफ था। सॉल्व किए थे ना सिंपल माइक्रोस्कोप, फार पॉइंट के लिए रिलैक्स आई के लिए मैग्निफिकेशन डी बाई एफ था, तो इसलिए ये हो गया।
देयरफॉर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, वी नोट बाय यू नोट टाइम्स डी बाय एफ। ये हो गया तुम्हारा, बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। इसमें भी सर, इसमें वन प्लस का ही होता था, वन प्लस डी बाय एफ का ही हुआ सर इसमें। ये तो देखे ना, सिंपल माइक्रोस्कोप में जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करवाते थे हम लोग, इसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप का देखो, नोट्स निकाल के, जब इमेज का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होना चाहिए तो ऑब्जेक्ट को डी पे लाना होता है। यहां पे ऐसे है, तुम उसको डी पे लाओगे तब ना मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। तो इमेज को डी पे लाते थे हम लोग, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट, उस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई। तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है लेंस के कारण, वन प्लस डी वाई एफ होता है। वही लिखे, बात समझ में आया? मिनिमम मैग्निफिकेशन, इसको यहाँ पे लिखो मिनिमम मैग्निफिकेशन। इस समय आई रिलैक्स्ड मोड में होता है, इसका भी बात समझ में आए। अलग कलर से घेर देते हैं, ये दो अलग अलग केस है। अब जैसा जिस समय पूछेगा उस तरह का तुम्हें मैग्निफिकेशन भेजना पड़ेगा। ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्टोरी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो हम लोग पुराना वाला अगर जानते हैं तो फिर ये आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग बोले थे कि पुराना वाला रिवाइज कर लेना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, समझ सर। इस पे क्वेश्चन करवाइए ना। हाँ, इस पे भी क्वेश्चन हम पहले ट्यूटोरियल में डालेंगे, और तुम लोग का 20 तारीख तक लास्ट डेट है ट्यूटोरियल और असाइनमेंट करने का। तो ट्यूटोरियल असाइनमेंट करके वही गूगल क्लासरूम पे अपलोड करो। ऐसे तो जो माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल थे हमने तो करा ही दिए, कल भी हमने कराए क्वेश्चन, तो वो तुम लोग असाइनमेंट जमा करो वहाँ पे, ठीक है? और ट्यूटोरियल भी, और इससे रिलेटेड भी कुछ कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला तुम लोग को याद है तो सारा कुछ कर लोगे। ठीक है, आज इसका कुछ ट्यूटोरियल हम बनाते हैं और भेज देंगे तुम लोग, फिर उसको एक बार अपने से कोशिश करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर कराएंगे। ओके सर, ठीक है। फिर हम लोग का इसमें बचेगा, इसमें हम लोग को बचेगा टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप करेंगे तो फिर समझो, तो इंस्ट्रूमेंट मोस्टली तीन ही इंपॉर्टेंट थे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप भी बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, यस सर। चलो बढ़िया है, आज तक के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है? इसका ट्यूटोरियल हम आज अपलोड करेंगे, एक बार अपने से ट्राई करना। चलो धन्यवाद, तुम लोग यहाँ पे आए। थैंक यू सर। और कभी YouTube अगर देखते हो तो उसमें कमेंट किया करो कि तुम्हें क्या पसंद आया क्या नहीं आया, उसमें हमें हिम्मत मिलती है उससे। YouTube हमको भिखारी तो बना ही दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो भीख मांग ही सकते हैं। तो असाइनमेंट कहाँ पर जमा करना? गूगल क्लासरूम पे ही जमा करना है, गूगल क्लासरूम में ज्वाइन होगा, जहाँ पे असाइनमेंट खोलोगे अपना तो वहीं पे एक फाइल अटैच करने का देता है जगह, एक बार यूट्यूब से देख लेना। बहुत सारे वीडियो पड़ी होंगे यूट्यूब पे, वो तुम्हें सिखा देंगे कि कैसे हम लोग फाइल अपलोड करते हैं गूगल क्लासरूम पे, तो उससे सीख के तब कर लेना, ठीक है? यस सर, ठीक है सर। चलो भाई, ओके सर। Goodbye. Okay. तो
इस तरह से आज का सेशन हम लोग का ख़त्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे और आगे का चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें इस चैप्टर में एक और चीज़ बचा हुआ है, टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप पढ़ लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं।